इस वीडियो में आपने जो कमेंट्स किए हुए हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा, जहाँ कोई और क्वारी है वो डिस्कस करूँगा। साथ में आपसे प्लानिंग करना चाहता हूँ कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर दूँ कि ओके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये थैंक यू है, यस सर इंटरेस्टेड इन क्लास, ओके कीप इट ऑल, ओके थैंक यू सर, पेपर ओनली सब्जेक्ट का होगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, पेपर ओनली सब्जेक्ट का होगा लाइक ओनली पंजाबी, पंजाबी की रिसर्च करवा देना, मैं पेपर कर 46 की हूँ, तैयारी कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मौका मिल जाएगा। वेरी गुड, ऐसे पॉजिटिव बने रहना है। इनका आंसर है, ध्यान से समझ लेना कि मैं कौन सी तैयारी करवा सकता हूँ, मैं आपको क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि पेपर, सबसे पहले पेपर देख लें कि यूजीसी का पेपर जो है, ये रहा, नहीं कहाँ गया ये, ओके ये देखिए पेपर कैसे होता है यूजीसी का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इधर इधर करके है, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पेपर यूजीसी का होता है जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स के लिए, जरूरी है, 50 क्वेश्चंस उसमें आते हैं एमसीक्यू के, ठीक। जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वो उससे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, आपको पेपर टू अपने पर अभी फोकस करना चाहिए, जब तक वो क्लियर नहीं कर देते। आपको पेपर टू का सिलेबस निकालना है, जैसे ये रहा आपका सिलेबस यूजीसी नेट, ओके फॉर एग्जांपल ये आपका सेकंड पेपर है, इस पर आप फोकस कीजिए, जैसे साइकोलॉजी का है, यूनिट दिए गए हैं, आप देखिए कि कौन सा आपका एस्पेक्ट क्लियर है, जो अनकवर्ड है, जिसकी नॉलेज कम है, नया है और यूजीसी के सिलेबस में है, आप उस पर फोकस करना शुरू कीजिए, ठीक। आपके पास दिन बहुत कम है, दैट इज वाई सरफेस लर्निंग से आपको चलना पड़ेगा। मैं थोड़ा डीप लर्निंग से मेरी टीचिंग होती है, तो इसलिए मैं आपसे सुजेशन मांग रहा था कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, मैं वीडियो अपलोड करूं या के ऑनलाइन टीचिंग। अगर इतना ज्यादा सिलेबस है तो जो भी आपके कॉमन एरिया होंगे, फॉर एग्जांपल ये हम आगे चलते हैं, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इस बात को समझ लीजिए, कितना सिलेबस यही है और इसकी प्रॉब्लम सभी जने कह रहे हैं, और टेस्टिंग टूल जिससे डाटा कलेक्ट करते हैं, दो यूनिट लगभग ये सारे ही सब्जेक्ट्स में होंगे। अगर सारे सब्जेक्ट्स में हैं तो हमें करना क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल ये आपकी साइंस की हो गई, ओके तो साइंस और सोशल साइंस की रिसर्च में ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, इसको और नैरो कर सकते हैं, ये हो गई सोशल साइंस, ठीक। तो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में है कि लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी है, लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी है कि उसका कम सिलेबस इसमें कवर हो, लेकिन साइंस एंड सोशल साइंस की रिसर्च मेथोडोलॉजी को ज्यादा भी कवर किया जा सकता है, इतना भी कवर किया जा सकता है। क्या है कि साइंस के मेथड को, साइंटिफिक मेथड को ही अप्लाई करना है सोशल साइंस ने, एग्जैक्ट इट मींस साइंस और साइंटिफिक मेथड चाहिए, यहां तो लगभग 100% सेम हो जाएगा, ठीक, सिर्फ एग्जाम्पल डिफरेंट होगी, और लैंग्वेज की नेचर डिफरेंट होती है, लिटरेचर की नेचर सोशल साइंस से डिफरेंट होती है, दैट इज वाई। लेकिन कुछ कॉमन साइंस, एक बात तो पक्की है ना कि ऑब्जेक्टिविटी है, साइंटिफिक मेथड है, कुछ मेथड्स हैं, डाटा कलेक्शन है, कंक्लूजन कैसे निकालने हैं, रिपोर्ट कैसे राइट करनी है, तो काफी चीजें कॉमन है। मैं ये कर सकता हूं सभी जनों के लिए कि रिसर्च के वो, जैसे यहां पर हम पढ़ रहे थे ये, तो ये देखिए रिसर्च मीनिंग पर्पस डायमेंशन प्रॉब्लम्स वेरिएबल, वेरिएबल सब में है, ऑपरेशनल डेफिनेशन सब में है, हाइपोथेसिस सब में है, सैंपलिंग सब में, तो ये मैं कवर करवा सकता हूं आपको, पर आप करना कैसे चाहते हो। मीन वाइल जैसे मैं ये करवाता हूं, मीन वाइल आप अपना कंटेंट की तैयारी खुद या कोई और यूट्यूब या आपका टीचर कोई भी सोर्स है आपके पास, आप उससे शुरू कर दीजिए, ठीक। तो मैं
मतलब क्योंकि मेरे पास भी टाइम 20 दिन है, मैं मतलब अगर तैयारी कर करके ज्यादा करवाना हुआ तो नया मेरे लिए जो टॉपिक होगा, नया एरिया होगा, उसके लिए मैं भी टाइम लूंगा। मैं सुपरमैन शक्तिमैन नहीं हूं, मैं मतलब मेरी औकात इतनी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको टीच कर सकूं, तो इतनी हेल्प कर सकता हूं, पर मुझे वे पता चले कि आप कैसे हेल्प लेना चाहते हो। आप सरफेस लर्निंग से, फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इस पर 5 मिनट टॉक करना चाहते हो, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, ऑनलाइन आओगे, आप अपना ईमेल एड्रेस भेजो। अगर गूगल मीट पर मैं टीच करना चाहता हूं, तो मैं कल से, इवन आज से मैं सोच रहा था कि क्लास शुरू कर दूं, लेकिन अभी तक हम यहीं अटके हुए हैं कि कैसे करना है। आप अपना लिंक भेजिए, अगर क्लास लगाना चाहते हो इंट्रैक्शन शुरू कीजिए, जो भी जितना हो सकता है वो मैं करूंगा। हाँ, इतना मैंने कर दिया है, कुछ 15 दिन पहले मैंने यूजीसी नेट के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे। वो कहां से शुरू किए थे कि रिसर्च क्या है, ना रिसर्च क्या है, ये जो बात अभी मैं कह के आया हूं, रिसर्च क्या है, रिसर्च एक्चुअली साइंटिफिक मेथड है ना, जो उसकी एप्लीकेशन है आपके फील्ड में। अगर एजुकेशन में उसकी एप्लीकेशन कर दी तो वो एजुकेशनल रिसर्च होगी, अगर साइकोलॉजी में कर दी तो वो साइकोलॉजी रिसर्च होगी। साइंटिफिक मेथड ने तो वही रहना है ना, तो यहां से मैंने वो वीडियो शुरू किए हैं। साइंटिफिक मेथड में सबसे ज्यादा जानना जरूरी है सोर्स ऑफ नॉलेज। वो सोर्स ऑफ नॉलेज मैं इतना डिटेल में चला गया, पहले मैंने वो सोर्स ऑफ नॉलेज 1, 2, 3, 4 डिस्कस किए, लास्ट में इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। तो मैं ये सोच रहा हूं जो आपके प्रॉब्लम को हल करने के लिए वीडियो जरूरी है, वो आज मैं वो डाल दूंगा, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। उसको देखिए, आपकी रिसर्च वहां से शुरू होनी है, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद इन दोनों का कंबिनेशन से साइंटिफिक मेथड बनेगा। जो साइंटिफिक मेथड बनेगा वो आपके फील्ड पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मैं वीडियो ये भी डाल दूंगा, ये बेशक आप मत देखिए, क्योंकि आपके लिए कम रेलेवेंट हो गए, जैसे सुपरस्टिशन, अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ नॉलेज, टेनिसिटी, रिवीलेशन। लेकिन वो मैं क्यों बनाता हूं, वीडियो क्यों बनाई इतने डिटेल में, आप सिर्फ उनका मीनिंग जान लीजिए, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में वो ऑप्शन तो हो सकता है ना। तो मोस्ट एररफुल मेथड ऑफ नॉलेज मान लो आ गया, अथॉरिटी है, रिवीलेशन है, इंट्यूशन है ना, साइंटिफिक मेथड है, तो आपको इनके मीनिंग तो पता होने चाहिए ना। तो तैयारी का एक फार्मूला ये भी बता रहा हूं कि आप अपना जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो भी टर्म है, आप उसके वर्ड मीनिंग थोड़े थोड़े आपको जरूर पता हो। एक फार्मूला बता रहा हूं, ये हर ग्राउंडेड थ्योरी आपको पता हो, सिंपल सा ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये सारे करवा सकता हूं, ये सारे मैं ब्रीफ में करवा सकता हूं। दैट इज वाई आप बताइए कि आप मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो, या वीडियो मैं अपलोड करूं, तो वो मुझे रिस्पांस इसके बारे में दोगे, तभी मैं प्लानिंग करके उसके अकॉर्डिंगली करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हम कहां से कहां आ गए, हम बात कर रहे थे कि ये इनके उत्तर दे रहे थे, ये कहां चले गए, अरे 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 बंद हो गया ये तो, ओके खोल लेते हैं। ये डिस्कस कर रहे थे हम कि पंजाबी की मैं रिसर्च करवा देना। हाँ जी, मैं जितना होगा मैं करवाऊंगा, मतलब मैं फिर कह रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा। अच्छा सर, मैंने बीकॉम एमकॉम के सब्जेक्ट के कोड फिल किए हैं, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट के नेम लिखने के लिए स्पेस नहीं है। देखिए, कोड क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप एब्रेविएशन को कोड कह रहे हो, जैसे अकाउंट है तो आपने ACC पा दिया, ऐसे ठीक है, ऐसे फिल कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप अपने कोर सब्जेक्ट जो है, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स अगर कर रहे हो, तो कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट सभी को पढ़ने पड़ते होंगे, वो आपके वो अक्सर फर्स्ट और सेकंड सेम में होते हैं, वो जरूर फिल कर दीजिए। ठीक, उनको एब्रेविएशन, उनकी छोटी एब्रेविएशन बना के डॉट करके उनको फिल कर सकते हो आप। लेकिन अगर कोड आपके डिजिटल है, C2 ऐसे कुछ करके हैं जो समझ में उनके नहीं आए, तो वो गलत है, वो फिल मत कीजिए। मेरे हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे मेरा एजुकेशनल रिसर्च है, मैं EDU लिखूं, यहां आ गया, नेक्स्ट पर चलते हैं, EDU साइकोलॉजी, ओके
ई, हाँ रिसर्च छोटा लिख दिया, ऐसे करके आप जितने सब्जेक्ट फिल कर सकते हो वो फिल कर दीजिए। कोड अगर डिजिटल में है तो वो नहीं, वो अवॉइड कीजिए। एक बात ये याद रखनी है हर हालत में कि ये जो पेपर हो रहा है ना, इसका मेन मकसद आपका टेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट पर मैक्सिमम फोकस कीजिए। बस अपनी इंफॉर्मेशन कोई गलत मत दीजिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ठीक, नेक्स्ट है जी, लिखना है स्पेस नहीं होती, क्या मुझे दोबारा से फिल करना चाहिए? आप मुझे ये फिर आप बताइए कि आपने कोड क्या फिल किए हैं। ठीक है, आपको दोबारा पूछना पड़ेगा। प्लीज टेल मी अदर स्टेट के एससी किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। देखिए, आपकी स्टेट कोई भी हो, आप अपनी राइट इंफॉर्मेशन, आप एससी कैटेगरी हो तो एससी कैटेगरी जो जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो फॉर्म में, वैसे फिल कर दो। ठीक, किसको क्या मिलेगा, जब वो कैसे मेरिट बनाएंगे वो बाद की बात है। दो बातों पर फोकस करो, अपनी राइट इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक, और अपने सिलेक्शन टेस्ट पर फोकस करो, मैक्सिमम सिलेक्शन टेस्ट पर। अगले वीडियो में आई, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, थोड़ी आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी करो कि मैक्सिमम आप रिटेन कर सको इंफॉर्मेशन, ठीक है, और रिकॉल कर सको। नेक्स्ट है, यस इंटरेस्टिंग इन क्लास, ओके सर, फर्स्ट पेपर का सिलेबस इन्होंने बताया ही नहीं, या फिर यूजीसी नेट में बहुत सारा पोर्शन फर्स्ट पेपर का, मैं इसमें क्या वैसे ये क्लियर नहीं हुआ, ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर का क्लियर नहीं है अभी तक, अगली डिटेल जो रिटर्न की देंगे यहाँ होगा, ये शायद ये देंगे ना यहाँ पर, ये देखो रिटर्न टेस्ट, क्लिक किया खुल गया, ये है अभी इतनी डिटेल है। देखिए अब इतनी डिटेल, जब ये डिटेल इसको बढ़ाएंगे क्या कर रहे हो, ओके तो क्लियर होगा कि ये यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर भी कह रहे हैं या नहीं, ये अभी तक कंफ्यूजन है। पर सेकंड पेपर तो आपका कंपलसरी है ना, आप उसकी तैयारी करो, इसका आंसर ये है। ओके आप शुरू करें क्लास, जिस आपको मेल एड्रेस ईमेल एड्रेस भेजना होगा, अदरवाइज मैं जब क्लास लगाऊंगा बाद दोबारा दोबारा एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, कल से वैसे कोशिश करता हूं। सर जिन्हें बीए में 45 हैं बट नेट क्वालिफाइड है तो वो लेक्चर पोस्ट के लिए कर सकते हैं? अच्छा ये देख लीजिए, जिनके बीए में 45 है, आपको यूजीसी रेगुलेशन देखनी होगी, ये आपकी यूजीसी रेगुलेशन रही, यूजीसी रेगुलेशन 2018, जिसके बेस पर जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन दी हुई है, ये वो पेजेस हैं, 3.4 आप खुद भी रीड कर सकते हो। इसमें क्या है कि रिलैक्सेशन साफ साफ बताई गई है, बातें दो याद रखनी है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद कोई यूनिवर्सिटी जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जहां पंजाब गवर्नमेंट, जहां पटियाला यूनिवर्सिटी, ये एडिशनल कंडीशन कोई लगा सकती है। लेकिन यूजीसी ने इसमें क्या कहा है कि ये देखिए, रिलैक्सेशन की बात पूछी है, क्वेश्चन यही था ना, ये वाला, सॉरी ये कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था, भूल गया, बीए में 45 है, ये कहते हैं 44.7 है, तो ये देख लीजिए आप अपना, ये रहा आपका कहां गया ये, ठीक है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलॉड टू बैचलर एज वेल एज मास्टर लेवल ऑफ कैंडिडेट, किनको, एससी को, ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर को, डिफरेंटली एबल्ड, ये वो जो एक्ट बना है ना शायद 2016 में, वो ही सब सारा उठा के वो कैटेगरी सारी रखी है, ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, हार्ड टू हेयर, लोकोमोटिव, ये आपने देखना है कि अगर आप इस कैटेगरी में हो, सेरिब्रल पाल्सी, ये पिक्टम मस्कुलर डॉफ्टे ऑटिज्म, सारे ये आप रीड कर लीजिए यहां से, बेशक मैं बड़ा कर देता हूं, फोटो क्लिक कर लीजिए, अगर इस कैटेगरी में है तो उनको रिलैक्सेशन है, ठीक, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी,
ये यूजीसी रेगुलेशन है। यूजीसी रेगुलेशन को कोई भी यूनिवर्सिटी वायलेट नहीं कर सकती, ठीक। इसका मतलब है कि आप इस कैटेगरी में अगर हैं तो 5% की रिलैक्सेशन है आपको दी गई, ये रहा, ठीक। इसके अलावा ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड टू मार्क पीएचडी डिग्री होल्डर हु हैव, ये कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो 1991 से जिसको डिग्री हासिल हुई है। इरेलीवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड 50, ये आपके लिए नहीं है, आपका आंसर हो गया है, ठीक। यहां आता हूं दोबारा, ठीक। ये और नहीं है आपके लिए, वापस चलते हैं। यहां पर ये आ गए, यहां पर, ओके। तो ये जो है आपका एक केस है 44.65। ये एक तो बैचलर में है, यूजीसी रेगुलेशन में बैचलर वर्ड मैंने सर्च करके देखा था, एक दो जगह आता है, उसकी इंडिकेशन कोई नहीं है। अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब गवर्नमेंट या पटियाला यूनिवर्सिटी की कंडीशन हुई शायद, तभी आपका अपलोड नहीं हो रहा, ठीक। ये हो सकता है कि आप थोड़ी वेट कर लीजिए। अगर 45 पर आपने कहा है, पिक आपने खुद ही पिक कर रहा है, आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया है कि हो सकता है कि 45 मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर में हो, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इन्होंने भी कोई इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ जो डीपीआई कॉलेजेस ने हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, अगर आंसर मिलता है अथॉरिटी से मैं बात करके तो आपको आंसर दे दूंगा, ठीक। नेक्स्ट है सर, कंप्यूटर साइंस की बना दो, मुझे ये क्वेश्चन नहीं मैडम समझ आया, मुझे बता देना कि कंप्यूटर साइंस का क्या बनाना है। अगर कोई लाइब्रेरियन का पेपर तैयारी कर रहा है तो बता देना, मैं जरूर बता दूंगा। मेरे ख्याल में इतने कम लोगों के लिए कोई तैयारी नहीं करवाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल सेवा के लिए नहीं, सब मनीट्री पर्पज के लिए आते हैं। तो मैं तो थोड़ा, शायद सभी लोग मुझे पागल ही कहते हैं, तो मैं अब ये हो सकता है आप जस्सी जी, आप वो रिसर्च का जो पोर्शन करवाऊंगा या थ्योरी कुछ भी करवाता हूँ, आप उसको अटेंड करके अगर फायदा होता तो अटेंड कीजिए, अदरवाइज आप कोई और सोर्स देखिए, मेरे पास हुआ तो मैं बता दूंगा। सर हैंडीकैप्ड को मार्क्स की कुछ छूट है, ये जो मैंने पीछे बता के आया हूँ वही छूट है, अभी यहाँ पर बताया ना आपको, ये वाली ये बता के आया हूं, यही छूट है। आपने क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछा कि मास्टर डिग्री में या किस में इन इनको 5% की छूट है, बाकी जनों को नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर जाना था, कहां, यहां, ओके। सर प्लीज बता देना मेरे बारे में, ओके। नेक्स्ट ये दूसरी वीडियो में देखते हैं, ये कौन आ गया भाई, अच्छा सर आई हैव पास्ड माई 10th 2010 एंड 2019 में इन्होंने किया है सर्टिफिकेट अपना पंजाबी का, और अपलोडेड बोथ सर्टिफिकेट एंड एडिशनल, हाउ आई हैव टू अपलोडेड, याद रखना है कि आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना सिवाय वो कन्वर्जन टेबल है, वो हार्ड कॉपी के साथ है, उसकी इंस्ट्रक्शन आपको एक बार रीड करवा देता हूं। आपने ये रखना है हार्ड कॉपी, ये नहीं, मेरे वाला कहाँ गया, ये मैंने जो अपना फॉर्म फिल किया था ना, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये इन केस ऑफ सीजीपीए ये भी है एक प्रॉब्लम, अटैच कन्वर्जन फार्मूला इन दी हार्ड कॉपी। देखिए आपने ये अपलोड कर दिया, सबमिशन हो गई फाइनल, उसकी आपने प्रिंट कॉपी लेनी है, रजिस्ट्रेशन की सभी पेजेस की लेनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड आपने सेव रखना है, ये बात यहां लिखी हुई है पिछली जो इंस्ट्रक्शन थी। इसके अलावा आपने वो हार्ड कॉपी, वैसे उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ठीक है, तो आप ये उसके साथ एक जो आपका प्रिंट फॉर्म है वो आप इसके साथ सेंड कर दीजिए, ये हो सकता है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ये बता दूंगा, अदरवाइज सिर्फ कन्वर्जन फार्मूला है। आपका क्वेश्चन था कि मैंने कौन सा, कहां गया क्वेश्चन आपका, ये यहां आपका क्वेश्चन है कि आई हैव टू अपलोड बोथ सर्टिफिकेट, नहीं कहीं अपलोड करने अपने सर्टिफिकेट, आपने सिर्फ यहां पर, कहां गया मैं, ये ओ नहीं, ये वाला,
अपने यहां पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपके टेंथ में से कितने मार्क्स हैं। जैसे मैंने ये फिल किए हैं 300 मार्क्स हैं, 600 में से हैं और 50% मेरे मार्क्स बने हैं, डिवीजन कौन सी, ये फिल करना है। ये फिल हो जाता है, अपलोड कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर कौन सा और प्रॉब्लम है आपकी, यू हैव पास्ड मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेलेक्ट इज नॉट कंडक्टेड। देखिए ये एक लाइन है, इसका मतलब समझ लीजिए, लगभग 90 के करीब सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेज में यूजीसी नेट कंडक्ट करती है। यहां लिस्ट में नहीं दिखा रहा हूं, किसी और वीडियो में दिखाई गई है। तो कोई सब्जेक्ट जिसका यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करती, अगर आपका वो सब्जेक्ट है कोई, तो आपको नेट की जरूरत नहीं है। यूजीसी जिन 90 या 91 या 81 जितने भी वो टोटल नंबर ऑफ बनते हैं सब्जेक्ट्स लैंग्वेज और सोशल साइंस के, उन वो जिनका नेट कंडक्ट करते हैं, अगर वो करते हैं तो आपको उसका नेट पास करना होगा इन जॉब के लिए। ठीक, अगर उन लिस्ट में आपके सब्जेक्ट का नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता तो आपको नेट की ही जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही एलिजिबल हो। मेरे ख्याल मैनेजमेंट वाले शायद उनका टेस्ट नहीं होता, मुझे क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच हेल्पफुल। मेरे सर मेरी अभी बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी है कॉन्ट्रैक्ट पर, अभी एक वीक हुआ, क्या हम उसका एक्सपीरियंस नहीं आप नहीं लगा सकते, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का लगा सकते हो, ये बात हो चुकी है। सर मेरा प्रोसीड नहीं हो रहा, अच्छा ये बात हो चुकी है 37 का, आज शायद मुझे बात नहीं हुई, अभी मैं बता दूंगा या सुबह को सुबह बता दूंगा। सर 10th क्लास में CBSE बोर्ड से है, उसमें CGPA सिस्टम है, तो उसका सर्टिफिकेट स्कैन करना होगा? नहीं, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहां पर ये बताया है ना, सॉरी ये रहा कहां गया, ये रिक्रूटमेंट, ये वाला आपने सिर्फ यहां पर फिल करना है और कुछ नहीं अपलोड करना, वापस आ जाते हैं यहां पर। सर जी मेरी PhD परस्यूइंग है, नहीं परस्यूइंग का आपको लाभ नहीं कोई मिलेगा, ये बातें हो चुकी, ये बातें हो चुकी हैं। तो ये टोटल है आज की वार्ता का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कैसे 10 जो 20 दिन बचे हैं इसमें कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है अगर उसका लाभ आपने लेना है तो आप बताइए। अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो आप सीधी क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं ब्रीफ में। मैं ये नुक्ता बता दूं कि अगर आपको कोई पोर्शन नहीं पढ़ा जाता तो आप प्लीज़ उस बिल्कुल सरफेस रीडिंग उसकी ज़रूर ले लीजिए, अगर नहीं तो डिस्कशन हो सकती है, अगर नहीं तो आप मेरे से एकदम पूछिए लास्ट में जो जो मुझे पता होगा, जहाँ एक दिन पहले मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दिए सर ये टॉपिक पर आप 10 मिनट 20 मिनट कुछ भेज दो। देखो जो वो ओवरव्यू है, फॉर एग्जाम्पल आप एथनोग्राफिकल स्टडी है आपकी, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, कई तो शब्द भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसको थोड़ा सा जब बताया होगा कि ये ऐसे होती है, जहां एक एग्जाम्पल दी होगी, हो सकता है कि MCQ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो होता है, वो काम आ जाता है। तो हम इमरजेंसी पीरियड में चल रहे हैं तो आपने कैसे पढ़ना है ये मुझे बता दीजिए, आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर कीजिए जो अगर पढ़ना चाहते हो। थैंक यू।